बात करते हैं शारदीय नवरात्र की। नवमी के मौके पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने अपने घर पर कन्या पूजन किया है। सीमा हैदर ने इन कन्याओं को भोजन कराया और पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आप देख रही हैं, सीमा हैदर ने किस तरीके से आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन के मौके पर कन्या पूजन किया है, घर पर कन्याओं को बुलाकर कन्याओं को भोजन कराया और फिर उनका आशीर्वाद भी लिया। माता दी, 9 दिन मैं व्रती रही। आज नवरात्रि का 9वां दिन था और मैंने कन्या भोजन कराई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और यही सुंदरता है हमारे भारत महान की। और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बेटियाँ बेची जाती हैं तो भारत में बेटियों को पैर पूजी जाते हैं, पूरे 9 दिन देवी माना जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, हमारा भारत महान है और यहाँ बेटियों को, औरतों को, महिलाओं को देवी माना जाता है। यही खूबसूरती है भारत की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत। कासगंज में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई और दूसरा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की टीम देर रात अपनी बाइक से गश्त पर जा रही थी और दोनों कोतवाली झोलनाग क्षेत्र की पुलिस चौकी इनायती पर तैनात थे। मृत सिपाही दीपक कुमार अनूप शहर के रहने वाले हैं। आगरा में बाइक फिसलने से एक लड़की की मौत हो गई है जबकि उसकी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बिचपुरी फाटक के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक बाइक पर 2 बहनें सवार थी, उनका भाई बाइक चला रहा था तभी बाइक बेकाबू होकर फिसल गई है और दोनों बहनें रेलवे ट्रैक पर आ गई हैं। इस दौरान सामने से आ रही ट्रेन ने दोनों बहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में छोटी बहन की मौके पर मौत हो गई जबकि बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में 40 साल के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप के मुताबिक चुनावी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई है। प्रधान के पति कपिल प्रधान पर आरोप लगा है कि मृतक के छोटे भाई और चाचा को कई बार हत्या की धमकी दी गई थी। थाना टीला मोड़ क्षेत्र की ये वारदात है। परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। हत्या जैसी घटना जो हुई है इसमें इसकी ढील बहुत हुई है, इसमें पुलिस का भी काफ़ी रोल रहा है क्योंकि उसने अपने टाइम पे कार्रवाई नहीं की जबकि हमने उसको कई बार उसको एप्लीकेशन दे चुके हैं। और भी गांव के लोग, उसने कईयों के साथ ऐसी मार पिटाई की है, जो भी थोड़ा सा भी मुंह उठाता है उसके ही खाली गोली भी चला के दिखाता है कि मैं हूँ यहाँ पर। आप क्या अपील करते हैं सर? हम अपील तो क्या ये कहते हैं कि हमें इसका न्याय मिलना चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए, ये हमारी यकीन है। हम तो ये चाहते हैं उसको फांसी हो तुरंत पकड़ के। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।